आज के क्लास में हम लोग रिएक्शन जानेंगे अल्काइन का साइनाइड के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। रिएक्शन जो होता है अल्काइन का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, वो एक सिंथेटिक यूज है इस रिएक्शन का। इसमें नाइट्राइल के फॉर्मेशन के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है। एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें HCN जो है ट्रिपल बॉन्ड पर ऐड हो जाता है और वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हम लोग क्यूपियस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, या फिर इसके जगह पे हम लोग बेरियम साइनाइड का भी यूज कर सकते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास साइनाइड है उसमें क्या होता है कि ये नाइट्रोजन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसकी वजह से ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो कार्बन अब क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इस पे एक डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है और इस हाइड्रोजन पे एक डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। इस तरह से ये एक निक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो होता है विनाइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने एसिटिलीन ले लिया और उसका एडिशन करा दिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम साइनाइड, तो क्या होता है, सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, HAK एक कार्बन के साथ ऐड हो जाता है और साइनाइड जो है दूसरे कार्बन के साथ आके ऐड हो जाता है और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर जाता है और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं पे ये रिएक्शन जो है एंड भी कर जाता है, इससे आगे ये रिएक्शन नहीं बढ़ता है। अब हम लोग इस रिएक्शन के बारे में, और अगर यहाँ पर तो हमने सिंपल सा जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था हम देख रहे थे कि वो क्या था, सिमेट्रिक था, यानी दोनों तरफ जो CH था तो ये हाइड्रोजन कहीं पर भी ऐड हो सकता था और साइनाइड किसी साइड भी ऐड हो, हमें सेम ही प्रोडक्ट जो मिला वो सेम मिला। और इस विनाइल साइनाइड को हम लोग एक्रोलो नाइट्राइल भी कहते हैं, कॉमन नेम है इसका। अब देखिए अगर हमने ऐसा अल्काइन ले लिया तब क्या हो जाएगा, प्रोपाइन है ये, प्रोपाइन अगर ले लिया तब हम कैसे ऐड करेंगे। लेकिन हम लोगों देखते हैं इसका जो हमें प्रोडक्ट मिलता है प्रोपाइन लेने पे, तो हमें दो तरह का यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है। एक प्रोडक्ट जो होता है वो मार्किनफ रूल के अकॉर्डिंग होता है और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है, और उनका अमाउंट भी सेम होता है, दूसरा प्रोडक्ट जो होता है वो एंटी मार्किनफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि मार्किनफ रूल क्या करता है कि हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पर कि पहले से हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ऐड हो गया, और साइनाइड वहाँ पर ऐड होगा जहाँ पर कि जो कार्बन अल्काइलेटेड ज़्यादा है। तो ये वाला प्रोडक्ट जो हमारा है वो मार्किनफ प्रोडक्ट है। वैसे ही एंटी मार्किनफ जब होगा तो साइनाइड वहाँ जाके ऐड होगा जहाँ पर अल्काइलेशन कम है और हाइड्रोजन वहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा जो अल्काइलेटेड कार्बन है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें दोनों तरह का प्रोडक्ट मिलता है, एक तो मार्किनफ प्रोडक्ट और दूसरा एंटी मार्किनफ प्रोडक्ट। ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं जिससे हम क्लियर होगा कि ये रिएक्शन आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने कैटलिस्ट लिया था क्यूपरस क्लोराइड, उससे में जो Cu+ जो प्रेजेंट रहता है वो HCN से रिएक्ट करके H+ देता है और खुद CuCN में कन्वर्ट हो जाता है। क्या देता है, H+ देता है, ये Cu+ जो है HCN से रिएक्ट करके H+ देगा और खुद CuCN में कन्वर्ट कर जाता है। अब ये CuCN जो है वो हमारे अल्काइन के साथ रिएक्शन करके एक एडिशन प्रोडक्ट देता है, इसके साथ ऐड हो जाता है कम्प्लीटली और कुछ इस तरह का, सबसे पहले ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, उसके बाद ये जो है इस तरह का प्रोडक्ट हमें देगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कार्बन के साथ Cu और दूसरे कार्बन के साथ CN ऐड हो जाता है। अब ये Cu या CN कहीं पर भी ऐड हो सकता है किसी भी कार्बन के साथ, यहाँ पे उसे कार्बोकटायन का चूंकि फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो किसी तरह के स्टेबिलिटी की बात नहीं होगी। यहाँ पे Cu किसी भी कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और CN किसी भी कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, चूंकि यहाँ कार्बोकटायन नहीं फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस Cu को हटा के यहाँ पे H ऐड हो जाएगा और जिस तरह से ये रीजनरेट हो गया, यहाँ पर जो Cu+ था हमने रिएक्शन में यूज किया था रिएक्शन के एंड में, फिर से वो Cu+ जो है रीजनरेट हो गया और ये रिएक्शन में बार बार यूज हो सकता है, जो कैटलिस्ट का खासियत होता है कि वो रिएक्शन को क्या कराता है,
फास्ट कर देता है लेकिन खुद वो रिएक्शन में यूज अप नहीं होता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि CU प्लस जो है वो रीजेनरेट हो जा रहा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि H कहीं पर भी जो ऐड हो सकता है, CN कहीं पर भी ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर दो तरह से ऐड हो जाएगा, एक बार मार्कोनिकफ के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा ये H, एक बार मार्कोनिकफ के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा, एक बार CU, एक बार एंटी मार्कोनिकफ ऐड हो सकता है, कहीं पर भी ऐड हो सकता है। चूंकि अब देखिए एच यहाँ पर भी ये जो था CU जो था यहाँ पर भी आ सकता था और यहाँ पर भी आ सकता था, कोई इससे अंतर नहीं आ रहा है क्योंकि कार्बोकटायन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है इस रिएक्शन में कहीं पर भी। तो ये CU यहाँ पर भी ऐड हो सकता था और ये CN यहाँ पर भी ऐड हो सकता था, जिसकी वजह से हमें दोनों तरह का प्रोडक्ट इस रिएक्शन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एडिशन किस तरह से होता है अल्काइन के साथ। तो ये भी अल्काइन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को कम्प्लीटली अपने में ऐड कर लेता है, यानी कि जिस तरह का भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और जिस तरह का भी हम अल्काइन लें वो क्या होगा, कम्प्लीटली ऐड हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली ऐड हो जाता है। इसमें जो होता है लुइस एसिड को एज ए कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, या मर्क्यूरिक आयन को जो है हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमें प्रोडक्ट सेम मिलता है और ये कोई भी अल्काइन और किसी तरह का भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो ये रिएक्शन देता है। ये एक तरह का सीन एडिशन रिएक्शन है। एक एग्जाम्पल से हम लोग और इसको समझने का कोशिश करते हैं। दूसरा कि ये रिएक्शन जो है मार्कोनिकफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एच जो होगा, हाइड्रोजन जो होगा, वो वहाँ पे आकर ऐड होगा जहाँ पर कि अल्काइन में ऑलरेडी एच ज़्यादा हो, जिस कार्बन पे एच ज़्यादा वहीं पे आके कार्बोक्सिलिक एसिड का एच ऐड होगा। लेकिन जो अदर CH3CO ग्रुप होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे अल्काइलेशन ज़्यादा होगा, जैसे कि अदर्स में हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर तो चूंकि हमने क्या लिया है, यहाँ पर तो ये सिमेट्रिकल है, दोनों साइड CH ही है, तो हाइड्रोजन कहीं पर भी ऐड हो सकता है और CH3CO- जो होगा इसमें देखिए, जैसे हम लोग अदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में यहाँ पे क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज और इस पूरे ग्रुप पे माइनस चार्ज, इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बाइफर्केट कर सकते हैं। तो ये एच कहाँ पर ऐड होगा, इस वाले में तो सिमेट्रिकल है तो कहीं इस कार्बन पर ऐड हो गया, तो ये CH3CO- क्या होगा, इस वाले कार्बन पर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे में कन्वर्ट कर जाएगा और विनाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्काइन के साथ ऐड होता है तो हमें विनाइल ईथर मिलता है। इस केस में क्या मिलेगा, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो विनाइल इथेनोएट होगा। क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O कहाँ पे आके ऐड हो गया, यहाँ पे एक कार्बन पे आके ऐड हो गया और जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H था वो यहाँ पे आके ऐड हो गया है। देखिए CH2 बन गया, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप कहते हैं। इसके साथ ये क्या ऐड हो गया है, इथेनोएट ऐड हो गया, CH3CO- ये ऐड आके ऐड हो गया, इसका नेम हम लोग क्या देंगे, विनाइल इथेनोएट। ठीक है, नेक्स्ट एक ये तो सिमेट्रिकल अल्काइन था तो हमने काफ़ी इजीली इसमें ऐड कर दिया, कहीं पर भी ऐड कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन लेते हैं और इसमें ऐड करके देखते हैं कि किस तरह से ये ऐड होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने R जो है एक अल्काइल ग्रुप है, वो CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी कोई सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर केस में एसिटिक एसिड ही हो, कोई भी एसिड हो आपको इसी तरह से ऐड करना है। तो एच कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे ऑलरेडी एच ज़्यादा है। कैसे ऐड होगा, एच वहाँ पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकफ रूल ऐड होगा, तो इस जगह पे ऐड होगा जहाँ पे एच ज़्यादा है, इसको इस तरह से हम लोग कर देंगे एच पे प्लस चार्ज और CH3CO- पे इस पे माइनस चार्ज और इस एच पे प्लस चार्ज। तब हम क्या करना है, H को वहाँ ऐड करना है जहाँ पे पहले से H हो और इस पूरे ग्रुप को वहाँ पे ऐड कर देना है जो अल्काइलेटेड ज़्यादा हो। तो ये क्या हो गया, अल्फा अल्काइल विनाइल इथेनोएट। ये पूरा ग्रुप क्या है, ये एक विनाइल ग्रुप है, इसके अल्फा पोजीशन पे एक अल्काइल ग्रुप लगा है, इसलिए इसका नेमिंग में क्या करेंगे, अल्फा अल्काइल विनाइल इथेनोएट। इथेनोएट ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है पूरा। तो ये एक विनाइल, ये हर जगह आप देख रहे हैं कि विनाइल ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।